ईसाई मजहब का ये वो चेहरा है जो हमेशा दुनिया से छिपाया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि विश्व की महानतम महिला दार्शनिक और गणितज्ञ को एक बिशप के आदेश पर पीट पीट कर मार डाला गया था? उनकी गलती मात्र ये थी कि वो ज्ञान विज्ञान और तर्क की बातें करती थी। वो मानती थी कि धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, जबकि चर्च नहीं चाहता था कि लोगों को पता चलने पाए कि ब्रह्मांड और मानव जीवन के बारे में बाइबल में लिखी बातें कितनी दकियानूसी और अवैज्ञानिक है। ये कहानी है हिपैशिया की, वो महिला दार्शनिक और गणितज्ञ जिनका जन्म ईसा के लगभग 350 से 400 वर्ष बाद हुआ था, यानी आज से लगभग 1600 साल पहले। हिपैशिया का जन्म रोमन साम्राज्य के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। ये वही जगह है जहां आज इजिप्ट नाम का देश है। उस दौर में ईसाई मजहब अपने पैर पसार रहा था। रोमन साम्राज्य के अधिकांश लोग अपने पारंपरिक धर्म को मानते थे, उन्हें पेगन कहा जाता था। प्राचीन रोमन साम्राज्य के अपने अलग देवी देवता हुआ करते थे, ठीक वैसे ही जैसे भारत में होते हैं। रोमन साम्राज्य भी भारतीय सभ्यता की तरह ही बहुत विकसित और वैभवशाली था। वहां पर गणित दर्शन शास्त्र से लेकर खगोल शास्त्र के बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे। रोमन और ग्रीक सभ्यताओं ने विश्व को प्लेटो अरस्तु और सुकरात जैसे महान दार्शनिक और विज्ञान दिए हैं। लेकिन ईसाई मजहब के उदय के साथ ही ये सारा ज्ञान और वैभव उसी तरह से नष्ट कर दिया गया जैसे भारत में इस्लाम के आगमन पर हुआ था। हिपैशिया अपने समय की बहुत लोकप्रिय टीचर थी। वो रोमन साम्राज्य के छात्र छात्राओं को दर्शन शास्त्र और विज्ञान पढ़ाया करती थी। उसी दौर के साहित्य के अनुसार हिपैशिया के लेक्चर सुनने के लिए तब दूर दूर से लोग आया करते थे। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से चर्च को समस्या पैदा होने लगी। चर्च ने ईसाइयत के प्रचार के लिए जादू टोने और अंधविश्वास को अपना हथियार बनाया था, ठीक वैसे ही जैसे भारत में धर्मांतरण के लिए यीशु के नकली चमत्कारों और अंधविश्वास का सहारा लिया जाता है। हिपैशिया ने रोमन साम्राज्य के दूसरे लोगों की तरह दबाव में आकर ईसाई मजहब अपनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ईसाई मजहब अवैज्ञानिक है, ईश्वर और सृष्टि की जैसी कल्पना चर्च करता है वो कोरी बकवास है। इसके बाद हिपैशिया चर्च के निशाने पर आ गए, उन्हें शैतान का अवतार घोषित कर दिया गया। ईसवी सन 415 में अलेक्जेंड्रिया के ताकतवर बिशप सिरिल ने आदेश जारी किया कि हिपैशिया को पकड़कर उसके आगे पेश किया जाए। इसके बाद ईसाइयों की एक भीड़ ने हिपैशिया पर हमला बोल दिया। उनको बालों से पकड़कर खींचते हुए चर्च तक ले जाया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दिया गया। कहते हैं कि उन्हें चर्च के अंदर ही पत्थरों से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। उस दौर के कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि हिपैशिया के शरीर का मांस काट काट कर हड्डियों से अलग किया गया था। टुकड़े टुकड़े में हिपैशिया का शरीर उनकी ही आंखों के सामने आग में जला दिया गया। तरीका जो भी रहा हो, ये विश्व की पहली मॉब लिंचिंग कही जा सकती है जो चर्च के आदेश पर की गई थी। ईसाई मजहब में मॉब लिंचिंग की ये प्रथा अलग अलग रूपों में आज भी जारी है। आज भी मिशनरियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में सैकड़ों महिलाओं को डायन या शैतान घोषित करके मार दिया जाता है। इस हत्या के बाद चर्च ने एक बयान जारी करके कहा था कि हिपैशिया मूर्ति पूजक थी, इसलिए ईश्वर की इच्छा के अनुसार उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। रोमन सभ्यता और धार्मिक परंपरा के पतन में इस हत्या की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इस हत्या का परिणाम ये हुआ कि पश्चिमी जगत में पूरे 1000 वर्ष तक कोई बड़ा वैज्ञानिक दार्शनिक या गणितज्ञ पैदा नहीं हुआ। हिपैशिया के लगभग 1200 वर्ष बाद 17वीं शताब्दी में गैलीलियो गैलीली ने ये कहने की हिम्मत दिखाई कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है। चर्च ने उनको भी ये कहते हुए कालकोठरी में डाल दिया कि उन्होंने बाइबल में लिखी बातों का खंडन करने का अपराध किया है। रोमन सभ्यता की तरह भारतीय सभ्यता नष्ट नहीं हुई थी, इसलिए भारतीयों को धरती और सूरज का ये ज्ञान बहुत पहले से था।
ईसाई मजहब आज अपनी उदार और मानवतावादी छवि बनाने का प्रयास करता है, लेकिन हिपेशिया की कहानी उनके वास्तविक इतिहास को बताती है। चर्च इस हत्या को बड़े ही गर्व के साथ स्वीकार भी करता है, उसने कभी इस पर कोई दुख नहीं जताया। वेटिकन में आज भी हिपेशिया की एक पेंटिंग को बड़े गर्व के साथ लगाया गया है। चर्च ने हिपेशिया के वास्तविक इतिहास को मिटाने का पूरा प्रयास किया। उनकी लिखी गणित की पुस्तकें और दार्शनिक सिद्धांत सब नष्ट कर दिए गए। वर्षों तक हिपेशिया के चित्र बनाने पर भी प्रतिबंध था, ताकि लोग उन्हें भूल जाएं। आज जो चित्र उपलब्ध है वो कलाकार की कल्पना मात्र है। हिपेशिया की कहानी पर 2009 में एगोरा नाम से एक स्पेनिश फिल्म बनी थी। वीडियो में हमने इस फिल्म के कुछ दृश्यों का प्रयोग किया है। हिपेशिया की ये कहानी विश्व के आगे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। जिन ईसाई और इस्लाम जैसे अब्राहमिक मजहबों की आधारशिला ही अज्ञान, अवैज्ञानिकता और अमानवीयता पर रखी गई हो, क्या उनका आज के सभ्य समाज में कोई स्थान होना चाहिए?